हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आप देख सकते हैं आज हम बहुत एक यमी सा स्नैक बना रहे हैं। ये हमने इडली बैटर लिया है 1 कप। ये हमने 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट लिया है, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, 6 से 7 करी पत्तों को बारीक काट लिया है, 1 बारीक प्याज काट लिया है और 1 छोटी शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, 1/2 इंच अदरक ग्रेट कर लिया है, 1/2 चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं और ये मैंने 1 चम्मच तेल को गर्म करके उसमें 1/2 चम्मच राई और 1 पिंच हींग लिया है। और ये देख सकते हैं आप 1.5 टेबलस्पून सूजी ली है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है और 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून ही हमने चाट मसाला लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है, 1 पिंच हम सोडा लेंगे, कुकिंग सोडा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऑयल डीप फ्राई करने के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हम बैटर में ये सूजी और सारे मसाले डाल देंगे नमक के साथ, ये हींग और राई डाल देंगे, राई का तड़का। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। जब आपको बनाना है ना तभी आप नमक डालिए। अब हम इसी में ना 1 पिंच सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा जो होता है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट ये सोडा डाल के बहुत अच्छे बनते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ये सारी सब्जियां डाल दूंगी, आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। यहां पर आप नमक मिर्च जो भी है वो टेस्ट करके देख सकते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए हम बैटर ऐसे ही रखेंगे और तेल गर्म होना चढ़ाते हैं। देखिए, हमने चेक किया है एक डालकर, तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। तो आप इसको इस तरह से उलट पलट के सेकेंगे, हल्का सा पानी का हाथ हम लगाएंगे, पानी का हाथ ऐसे उंगलियों पर लगाएंगे और इसका बैटर को इस तरह से हाथ में लेंगे और जिस भी साइज के आप बनाना चाहें ना उस तरह से आप इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसमें सारे पकौड़े ऐसे डाल देंगे, बहुत यम्मी लगता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, स्लो कर दिया है क्योंकि बहुत तेज ये हो गया था, तो स्लो टू मीडियम पर हम इनको अब पकाएंगे ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। ऐसे उलट पलट के हम इनको सेक लेंगे। देखिए, बहुत बहुत अच्छे ये लग रहे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, सब्जी आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं, धनिये की खुशबू है, करी लीव्स की खुशबू है। इनको हम उलट पलट कर सेक लेंगे, ये देखिए। तो ताकि जले नहीं इसलिए हमने गैस को जो है वो धीमा कर दिया है। देखिए, ये सिकना शुरू हो गए हैं पकौड़े। और ये चाय के साथ आप इवनिंग स्नैक में लेंगे ना, बहुत बहुत टेस्टी लगेंगे। आप हरी चटनी से खाइए, नारियल की चटनी से खाइए, बहुत टेस्टी। तो देखिए, इस स्टेज में हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा हमें क्रिस्पी नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, ये ऑलरेडी क्रिस्पी हैं। तो आइए इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। आप देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। ऐसे ही हम और दूसरे डाल देंगे और जितने एक बार में कढ़ाई में आते हैं ना उतने आप डाल दीजिए। और इनको भी हम निकाल लेंगे और बस फटाफट करते हैं फिर प्लेटिंग। सेकने में थोड़ा पेशेंस रखिए ताकि अंदर से जो है वो कच्चे ना रहें। कभी गैस को धीमा और कभी हाई करके आप अपने आप देख लीजिए कि कैसी फ्लेम आपको चाहिए। और 1 कप बैटर में ना 2 बार में इतने सारे पकोड़े बन जाते हैं। इनको भी हम ऐसे सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं, गोल गोल बने हैं। देखिए, तो इनको पलट के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे।
ये देखिए ये अच्छे से सिक गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक कप बैटर में कितने सारे पकौड़े बनकर तैयार हैं, और मैं यहां आपको तोड़कर दिखाती हूं। ये देखिए कितनी जाली है, गर्मा गर्म सब्जियां हैं इसके अंदर भरी हुई, और मुझे टाइम हो गया है इनको उतारे, बट आपको मैं दिखाऊं कितने क्रिस्पी हैं। तो आप जरूर ये ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।